आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी, जी। विविधा पिछले कुछ सालों से हमारे श्रोता लगातार सुन रहे हैं जी। और इस कार्यक्रम में एक हमने अंक ऐसा प्रसारित किया था जिसमें सुगम संगीत की कुछ बहुत ही मशहूर रचनाओं को संग्रहित करके और उससे जुड़े हुए कलाकारों के इंटरव्यूज को हमने प्रसारित किया था। उस कार्यक्रम को हमारे श्रोताओं ने बहुत पसंद किया। बिल्कुल, ये वो रचनाएं हैं मनीषा जी जो हम पहले रंग तरंग रसवंती जैसे कार्यक्रम में सुना करते थे। अपनी इस विविधा में आज इसी कार्यक्रम को एक बार फिर अपनी श्रोताओं की नजर करते हैं। मेरे लिए तो बस वही पल है हंसी बहार के, तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। मनीषा जी, हम जब जब विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर नॉस्टैल्जिक होते हैं तो याद आते हैं वो कार्यक्रम जो गैर फिल्मी गीत उसमें बजाया करते थे। और विविध भारती से खास तौर पे एक प्रोग्राम होता था रंग तरंग, और स्थानीय केंद्रों से जो अनुप्रसारण होता था विविध भारती का, जहाँ से वहाँ के अपने कार्यक्रम होते थे। इसमें कुछ नाम है रसवंती जैसे, गान मंजिरी, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम इसी विषय पर केंद्रित हुआ करते थे, यानी गैर फिल्मी रचनाएं उस जमाने में बहुत बजा करती थी। और आज देखिए मेरे सामने है ढेर सारी LPs और EPs। जी, और वही मैं कहने वाला था कि नॉस्टैल्जिया का दामन थामने को आज फिर एक बार जी चाह रहा है। जी हाँ, और इसमें कुछ ऐसी रिकॉर्ड्स हैं जहाँ की महावीर साहब का नाम लिखा हुआ है, कहीं हमारे साहब का भी नाम जी है। जी, और लता जी की पुरानी तस्वीर है, तो कहीं तलत साहब की पुरानी तस्वीर है। तो देखिए ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं यूँ तो हमने सब डिजिटाइज कर लिए हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स को हम लेकर आए हैं ताकि उसकी महक जो है जी, वो हमारी हथेलियों में रहे। और मनीषा जी, श्रोताओं को बता दें कि ये जो एक फहरिस्त बनी है जी अलग अलग कलाकारों की, इनमें से जो बहुत पुराने और माने हुए महान कलाकार हमारे देश के हुए हैं उनके प्रति एक तरह से आदरांजलि है। जी हाँ, तो हम इस कार्यक्रम का नाम दे रहे हैं श्रोताओं स्वरांजलि, और हम स्वर से अपने उन सभी कलाकारों को स्मरण भी कर रहे हैं और उनके लिए जैसा कि कहा जयंत जी ने कि आदरांजलि भी है। तो सबसे पहले हम इस कार्यक्रम का नाम, जैसा कि मैंने कहा स्वरांजलि है, तो सबसे पहला स्वर पुष्प जो हम अर्पित करने जा रहे हैं वो महान गायक संगीतकार पंकज मलिक जी को है। क्या बात है, अभिभूत हो जाएंगे हमारे श्रोता ऐसा सुन के। अभिभूत तो जरूर होंगे, और मुझे ऐसा लगता है ये जो मौसम है ना, ये कहीं कहीं हमें सच में नॉस्टैल्जिया की तरफ ले जाता है। और दिवाली भी नज़दीक है और अभी हम विजयादशमी का पर्व मना चुके हैं, तो एक तरह से आध्यात्मिक माहौल है। और इस गीत में भी वही आध्यात्म है, ईश्वर से प्रार्थना है। स्वर है महान गायक पंकज मलिक का, संगीत भी उन्हीं का है। तेरे मंदिर का हूँ दीपक जल रहा, तेरे मंदिर का हूँ दीपक जल रहा, आग जीवन है
मलिक साहब के दिव्य स्वर में ये भजन हमने श्रोताओं को सुनवाया। मनीषा जी, क्यों ना उन्हीं की एक बातचीत सुनवाई जाए। मैं आपसे एक बात कहूँ बातचीत सुनवाने से पहले, कि जब इस गीत को मैं सुन रही थी ना, तो पंकज मलिक जी के स्वर में जो गीत था हमने सुनवाया, तेरे मंदिर का हूँ दीपक जल रहा, उसमें जो लौ की थरथराहट थी, जो कपकपाहट थी, वो अभी तक हमारे अंदर महसूस हो रही है हमें। और पंकज जी की आवाज़ की गरिमा वो हमारे पास रिकॉर्ड में है। क्या बात। तो ये जो आपने कहा ना कि रिकॉर्डिंग हम सुनवाते हैं उसके बारे में जी भी हाँ। और ये जो मुलाकात है पंकज मलिक साहब से, ये बातचीत की है दीप नारायण मिठोलिया जी ने। तो बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग है श्रोताओं, और पंकज मलिक जिसे इस बातचीत को हम आपको सुनवाते हैं, आइए सुनते हैं ये खास रिकॉर्डिंग। पंकज दा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप फिल्मी दुनिया में कब से आए। मिठोलिया भाई, बोलते फिल्म के भारत में चालू होने की करीब 2 साल पहले ही मैं फिल्मी दुनिया में आ चुका था, यानी सन 1928 में। उस समय मूक फिल्में दिखाई जाती थी। उनके साथ जिस संगीत के बजने का रिवाज था, उस संगीत की रचना मैं किया करता था। उसके बाद जब बोलती फिल्में आई तो कलकत्ते में, कैसे कहेंगे, मुझे ही संगीत निर्देशक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा पंकज दा, फिल्मी दुनिया में आने के पहले आप क्या करते थे? मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। शिक्षा समाप्त कर मैंने एक केमिस्ट का काम लिया, और फिर उसके बाद संगीत के माध्यम से रेडियो में आया, और फिर थोड़े बाद ही फिल्मी दुनिया में आ गया। आकाशवाणी के श्रोताओं ने आपको कब से सुना? मिठोलिया भाई, तब तो आकाशवाणी नहीं था, उस समय इसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। मेरे आने के करीब 6 महीने पहले शायद ये कंपनी चालू हुई थी। याद है आपको वो कौन सा पहला गीत था जिसे आपने पहली बार रेडियो में गाया था? उसे तो मैं कभी भूल नहीं सकता मिठुरिया भाई, वो गीत कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना। अच्छा पंकज दा, जरा गुनगुनाइए ना उसे। अरे वाह। अच्छा। ए खुदा तुमी प्रिये आमारिये तरुमुले बसे छो फुलो सजे से कथा कि गेछो भूले। ए खुदा तुमी प्रिये। सबसे पहले आपने कौन से फिल्म की संगीत रचना की थी, बंगला फिल्म की या हिंदी फिल्म की? ओ, ये बंगला फिल्म और साइलेंट पिक्चर, मूक फिल्म। क्या ये जरूरी है कि संगीत निर्देशक स्वयं एक अच्छा गायक भी हो? जरूर जरूर, भले ही वो कोई बहुत अच्छा गायक न हो, पर उसमें धुन बनाना
और गीत सिखाने की शक्ति होना जरूरी है। पंकज दा, अब अंत में आप ये भी बता दीजिए हमें कि एक संगीत निर्देशक को प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सी चीज आवश्यक है। उसके लिए भक्ति, प्रेम एवं मानव जीवन दर्शन की अनुभूति की साधना आवश्यक है। अच्छा दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी तरफ से और विविध भारती के सभी सुनने वालों की तरफ से। नमस्ते। मेरी तरफ से भी आपको और विविध भारती के सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। महान गायक और संगीतकार पंकज मलिक से ये बातचीत विशेष तौर पर हम आपके लिए लाए थे। पंकज मलिक जिसे बातचीत कर रहे थे, दीप नारायण मिठोलिया। इस रिकॉर्डिंग के बाद एक और स्वर पुष्प जी, और कलाकार बहुत पुराने, उन्हें हमारे श्रोताओं ने सुना होगा जब वो छोटे रहे होंगे, यानी काफी किशोर उम्र या युवा उम्र में रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे उम्र दराज श्रोता जो विविध भारती को बचपन से सुनते रहे हैं, उन्होंने ये नाम जरूर सुना होगा और जानते होंगे जगमोहन मित्र को। जगन्मय मित्र बंगाल के कलाकार, इन्हें हम सुरसागर के नाम से भी जानते हैं, और इनका एक खास गीत है जिसको सुनकर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो देर किए बिना तुरंत सुनते हैं ये गीत। मैं श्रोताओं को बता दूं, इस गीत के संगीतकार हैं कमल दास गुप्ता। तो आइए सुनते हैं जगन्मय मित्र यानी जगमोहन जी के स्वर में ये गीत। दिल को है तुमसे
क्या बात है मनीषा जी, इतने खूबसूरत गीत के बाद अब अधीर हो उठा है मन के। ये ना बता सकूंगा मैं मुझको है तुमसे प्यार क्यों, ये ना बता सकूंगा मैं। कितनी सरलता, कितनी सहजता से इतनी बड़ी बात कभी मन कह जाता है। और सच में उस जमाने के कभी कभी कलाकारों को सुनकर आपको लगता नहीं जयंत जी कि ऐसा तो क्या विशेष था कि बात सीधे दिल से निकलती थी और दिल तक पहुंचती थी। बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी, और उस जमाने के संगीत को सुना जाए ध्यान से तो एक बात समझ में आती है कि वाद्यों का शोर नहीं होता था। गाने वाले की आवाज जो दिल से निकलती थी वो गीतकार के शब्दों को लेकर के सीधे हमारे दिलों में उतर जाती थी। जी हाँ, देखिए ना, सरल शब्द है, रूप की कुछ कमी नहीं, दुनिया में एक तुम ही नहीं, फिर भी तुम्हारी याद में रहता हूँ बेकरार क्यों, ये ना बता सकूंगा मैं। और श्रोताओं, ये हम भी नहीं बता सकते आपको कि हमें क्यों ये गीत पसंद है और आपको ये गीत क्यों पसंद है। याद आ रहे होंगे आपको वो पुराने गाने जो कभी आप रंग तरंग में सुना करते थे। और अगला गीत मनीषा जी जो हमने चुना है आज के प्रोग्राम में वो पूछ रहा है आंचल से क्यों बांध लिया। मैं समझ गई, वाह वाह, बहुत मीठा गीत है, हेमंत कुमार जी के स्वर में, और इसके गीत के संगीतकार भी स्वयं हेमंत कुमार जी हैं। बहुत ही मीठा गीत है श्रोताओं, आइए सुनते हैं, और उसके बाद आपके लिए एक खास चीज भी हम लाए हैं, लेकिन पहले सुनते हैं महान गायक हेमंत कुमार जी के स्वर में ये गैर फिल्मी रचना। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसे का प्यार, आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसे का प्यार, जाने वाले से रुकने के, जाने वाले से रुकने के आशा तकोगे, खड़े खड़े तुम राह तकोगे, रखते कमर पर हाथ कबार, आंचल से क्यों बांध लिया मुझ पर जैसे का प्यार, क्यों ही रात भी आ जाएगी लेकिन नहीं आऊंगा, यूं ही रात भी आ जाएगी लेकिन मैं नहीं आऊंगा, दूर पड़ा मंजिल में कहीं मैं, दूर पड़ा मंजिल में कहीं मैं, थककर जब सो जाऊंगा मेरी कमी महसूस करोगी, रोगी अफसोस करोगी, मेरी कमी महसूस करोगी, रोगी अफसोस करोगी, बोलो फिर क्या निर्दय कहकर, बोलो फिर क्या निर्दय कहकर, बंद करोगी खुले द्वार, आंचल से क्यों बांध लिया मुझ पर जैसे का प्यार, आंचल से क्यों बांध लिया मुझ पर जैसे का प्यार। क्या बात है, आंचल से क्यों बांध लिया, इसका जवाब श्रोताओं को मिल ही गया होगा। इसे और आगे बढ़ाते हैं, ये हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ गाना श्रोताओं को हमने सुनवाया, और अब जो एक नायाब चीज हम सुनवाने वाले हैं वो क्या है?
वो एक विशेष रिकॉर्डिंग है। आपने मुझे देखा था जब मैं लाइब्रेरी में ढूंढ रही थी खास टेप को, और आपने टोका भी था कि मनीषा जी आप इतनी परेशान होकर के किसे ढूंढ रही हैं। तो मैं दरअसल ढूंढ रही थी हेमंत कुमार साहब की वो रिकॉर्डिंग जो हमारे पास मौजूद है, और हेमंत कुमार जी से बातचीत कर रहे हैं मधुप शर्मा। छोटी सी बातचीत है ये, मुश्किल से 4 मिनट की, लेकिन गागर में सागर है। क्या बात है, आइए सुनते हैं। हेमंत दा, संगीत सीखने के लिए सबसे अच्छी उम्र कौन सी होती है? देखिए मधुप जी, संगीत सीखने के लिए अच्छी उम्र कहना तो मुश्किल है, क्योंकि संगीत का जिसका शौक है वो बचपन से मालूम पड़ता है जी कि इसका शौक है, तो वो खुद ही कुछ ना कुछ सीख लेता है जी। फिर उसके बाद अगर उनका माता पिता या कोई भी चाहें कि वो सीखें, तो फिर थोड़ी देर बाद, जैसा कि मैट्रिक पास करने के बाद या कॉलेज पढ़ते पढ़ते उसको सिखाएं। हाँ, मतलब आपका पढ़ाई भी, पढ़ाई भी तो होना चाहिए जी। तो हेमंत दास, संगीत की दुनिया में आपने पहले गायक की हैसियत से प्रवेश किया या संगीत निर्देशक की हैसियत से? गायक की हैसियत से पहले मैं आया ऑल इंडिया रेडियो। हाँ, हाँ। क्लास 9 में जब मैं पढ़ता था जी, तब मैं ऑडिशन दिया, एक प्रोग्राम मिला। अच्छा। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग शुरू किया। अच्छा। भर्ती हुआ मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। हाँ, हाँ। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग किया, ग्रामोफोन रिकॉर्ड। अच्छा, रविंद्र संगीत आपने शांति निकेतन में सीखा था? नहीं मधु जी, शांति निकेतन में सीखने का मौका नहीं मिला मुझे। मैं सीखा उनका जो नोटेशंस जो पब्लिश होता है वहां से। अच्छा दादा, प्रसिद्ध गायक होने के बावजूद आपने फिर ये संगीत निर्देशन का जो काम शुरू किया, वो किस विचार से, उसका शौक कैसे हुआ आपको? शौक तो शुरू से ही था, जब ऑल इंडिया रेडियो में मैं काम करता था, गाना गाता था, उस टाइम में म्यूजिक डायरेक्शन भी करता था। अच्छा। वहां से शौक शुरू हुआ। हाँ, दोनों शौक शुरू से ही, मतलब। फिर मैं फिल्म में आया। अच्छा दादा, गाने की धुन बनाने से पहले आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? फिल्म का गाना जो है जी, मतलब जी, फिल्म का गाने में सबसे पहले ख्याल रखना पड़ता है सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं जी, कि किस सिचुएशन में गाना दिया। फिर कैरेक्टर। अच्छा। अगर ये शहर का हो तो धुन कुछ अलग ही होना चाहिए, गाँव का हो कुछ अलग होना चाहिए। अच्छा दादा, ज्यादा संतोष आपको किस बात से होता है, गा के या एक अच्छी धुन बना के या एक अच्छी पिक्चर दे के? गा के होता है, गाना गा के जो लोग अच्छे बोले, और धुन बना के ज्यादा अच्छा लगता है, धुन बनाया और लोगों को पसंद आया। अच्छा, बहुत अच्छा। संगीत के अलावा और किन किन बातों का शौक है आपको दादा? घूमना, ट्रैवलिंग। अच्छा। हाँ। तो विदेश भी गए होंगे आप? हाँ, विदेश गया, विदेशों में पहले गया था ईस्ट अफ्रीका। हाँ, हाँ। पूरा ईस्ट अफ्रीका देखा, फिर वहां से रोम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड। अच्छा दादा, अंत में ये और बताइए कि फिल्म की सफलता के लिए संगीत कहाँ तक जरूरी या होना ही चाहिए? हाँ, संगीत हिंदी फिल्म के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भारतवासी जो है ना, बहुत ही शौकीन है संगीत का। हाँ, हाँ। और हिंदी फिल्म का ये प्रॉब्लम है कि हमको सब जगह के आदमी को सेटिस्फाई करना पड़ता है, जैसे कि बंगाल का टेस्ट डिफरेंट है। अच्छा। बॉम्बे एक डिफरेंट है, पंजाब डिफरेंट, साउथ डिफरेंट, तो गाना ही एक कॉमन चीज है, कॉमन जो है ना वो सबको सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम लोग इतना गाना देते हैं हिंदी फिल्म में। अच्छा दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, महान गायक संगीतकार हेमंत कुमार जी से ये बातचीत आपने सुनी, बातचीत कर रहे थे मधुप शर्मा। और श्रोताओं, आज का ये जो विविधा है, ये विशेष तौर पर उन सभी महान कलाकारों को हमारी आदरांजलि है जिन्होंने गैर फिल्मी संगीत को बहुत बहुत ज़्यादा समृद्ध किया, और जिनके गीत किसी ज़माने में आप विविध भारती से सुनते थे, अब भी सुनते हैं, लेकिन उतने नहीं बजाए जाते, इसलिए हमारा प्रयास है। मनीषा जी, पुराने ज़माने में आपको याद होगा संगीतकारों के नाम के आगे मास्टर लिखने का एक तरीका हुआ करता था। हाँ, बहुत सही फरमाया आपने, और मैं आपका इशारा बखूबी समझ रही हूँ, आपने ये मास्टर स्ट्रोक जो दिया है ये एक ऐसे कलाकार की बात है जो बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चल बसे, और उन्होंने जो गिने चुने गीत गाए, लेकिन वो गीत कालजयी हो गए। 1927 में जन्मे और 1942 में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले मास्टर मदन,
उनकी मशहूर गजलें हमारे श्रोताओं ने बहुत पसंद की थी और अभी भी सुनिए तो झुरझुरी होने लगती है। जी सही कहा आपने, और हमारे पुराने पीढ़ी के श्रोता ही केवल ये नाम जानते होंगे। मुझे लगता है कि पुरानी पीढ़ी और कुछ हद तक हमारी पीढ़ी जो है वो मास्टर मदन को जानती है। हमारी इच्छा है कि नई पीढ़ी के श्रोता जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं वो भी इस आवाज को सुने और एक मशहूर गजल, आप सोचिए कि 14-15 साल के बालक के स्वर में क्या कमाल की ये गजल है। सागर नजामी साहब का कलाम है और संगीत पंडित अमरनाथ का, एक मशहूर गजल है, हैरत से तक रहा है जहां ने वफा मुझे। कच्ची उम्र के इस कलाकार का आवाज पर नियंत्रण देखिए और गाने का अंदाज देखिए। मनीषा जी, मास्टर मदन की आवाज में जो गजल हमने आपको सुनवाई, कैसा लग रहा है? मैंने पहले ही कहा था ना कि मास्टर मदन की आवाज में गजल को सुनने के बाद एक देह में झुरझुरी सी पैदा होने लगती है और कुछ ऐसी ही लर्जिश है आवाज की एक और गायक के स्वर में। जी वो गायक हैं तलत महमूद। वाह क्या बात है। और वो लर्जिश कुछ कुछ ऐसी नहीं लगती आपको जैसे किसी हरे पत्ते पर ओस की बूंद थर थर आ रही हो। बहुत सुंदर आवाज तलत महमूद साहब की और उनकी बहुत ही मशहूर रचना। अब आप बताइए क्योंकि इस वक्त एलपी आपके हाथ में है। हाँ, ये गीतकार का नाम यहाँ लिखा है सज्जन और इस गीत को संगीत से सजाया है वी बलसारा जी ने और आपको बता दूं ये 1950 की रिकॉर्डिंग है। तो हम अपने श्रोताओं को तलत महमूद साहब की आवाज में एक बहुत ही मशहूर गैर फिल्मी रचना सुनवा रहे हैं। श्रोताओं सुनिए और खो जाइए यादें माजी में। मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मेरा प्यार मुझे लौटा दो।
जी मेरा प्यार मुझे लौटा दो, तलत साहब की आवाज में ये जो गजल हमने सुनी, इतना प्यारा आग्रह है तलत महमूद साहब की जो लरजती हुई आवाज में। इस गीत को सुनकर ना हमें भी लग रहा है कि वो पुराने दिन हमें कोई लौटा दे। क्या बात है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्योंकि और भी हमने जो कुछ रचनाएं जो गैर फिल्मी हैं चुनी है इस प्रोग्राम के लिए वो हमें सुनवानी है श्रोताओं को। और ये जो रिकॉर्ड मेरे हाथ में है मनीषा जी, ये रफी साहब का है। रफी साहब के बहुत से गैर फिल्मी गीत बड़े मशहूर हुए थे और अभी भी उनको सुनकर वैसी ही ताजगी महसूस होती है। बेशक, बिल्कुल। और ऐसा लगता है कई बार, तो मैं आपको बताऊं, रफी साहब की आवाज में गैर फिल्मी रचनाएं बहुत सारी हैं जैसा आपने कहा, लेकिन रचनाओं को सुनकर कैसा लगता है जैसे जेठ की तपती दोपहरी के बाद जब सांझ आती है ना, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जमीन में एक किस्म का जो सूखापन होता है उस पर आप पानी की छींटे मारिए तो एक सौंधी सी खुशबू उठती है। तो जेठ के महीने में सौंधी सी खुशबू उठने वाली जो सांझ है, रफ़ी साहब की आवाज़ ने इसी सौंधी महक को जिंदा रखा था। रफ़ी साहब को मैं हमेशा ना शबे हिज्र और शबे वसल का गायक कहती हूँ। ओहो, और ये जिस तरह के गाने हैं उनका इतना अच्छा वर्णन जैसा आपने किया है और नहीं हो सकता मुझे। अरे नहीं नहीं, बहुत ही मीठा जी, गीत गाना सुनवाने से पहले श्रोताओं को बता दूं ये अनजान साहब का गाना है। मुझे लगता है वो पहचान भी गए होंगे कौन सा गीत है, वो अनजान नहीं होंगे इस गीत। आइए सुनते हैं। मेरे लिए तो बस वही पल है हंसी बहार के, तुम सामने बैठी रहो मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। साध है मुझको मिली है ये खुशी, जीवन की बाजी हार के तुम सामने बैठ
तो तोड़ दो सारे नियम संसार के, तुम सामने बैठे रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के, मैं गीत गाऊं प्यार के। महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में अनजान की ये मशहूर रचना हमने सुनी। श्रोताओं, अभी तक तमाम गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो सभी महान पुरुष स्वरों में हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का जो अगला पड़ाव है वो कोकिल कंठी स्वर साम्राज्ञी लता जी के गीत का है। लता जी के बारे में तो कहा जाता है मनीषा जी, उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है। जी, वे सरस्वती पुत्री हैं साक्षात, और उनके स्वर में क्या फिल्मी, क्या गैर फिल्मी रचनाएं। बिल्कुल, और पिछली बार भी जिक्र हुआ था कि हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो गोधूली का समय है, और इस समय अक्सर गाया बजाया जाता है राग मारवा। मैं समझ गई, आप राग मारवा पर आधारित एक गीत की बात कर रहे हैं। जी, ये गैर फिल्मी गाना है। लता जी के स्वर ने जिस गीत को स्पर्श किया वो जैसे कुंदन हो गया। उनका स्वर ना पारस का स्पर्श है, हर गीत कुंदन हो जाता है। ये गीत जयंत जी ने जैसा बताया राग मारवा पर आधारित है, और इसे आपने अवश्य सुना होगा। उस जमाने में खो जाइए और हमारे साथ चलिए ना गोधूली की इस बेला में चलते हैं। अभिलाष का गीत है और संगीत के महावीर जी का। आइए सुनते हैं लता जी के स्वर में ये दिव्य गीत। लता जी के स्वर में ये खूबसूरत गीत सुनने के बाद मनीषा जी ऐसा नहीं लगता मौसम कुछ उलझ गया है? बहुत उलझ गया जयंत जी, मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि इन गीतों को सुनकर तो मैं खुद उलझ गई, और ऐसी उलझी हूँ कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से सुलझाऊं सारे मन के तार। और इन गीतों को सुनकर के अगर मन उलझा है तो ऐसा भी लगता है कि ये उलझन कभी ना सुलझे, क्योंकि हम इस स्वर सरिता से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, इसी में डूबना उतराना चाहते हैं, और चाहते हैं कि एक और गीत श्रोताओं को सुनवाएं ताकि आज की जो ये संगीतमय विविधता है इसके संगीत में और वृद्धि हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं, मन्नाडे साहब की आवाज है और इसके संगीतकार हैं वी बलसारा,
मैं ना जयंत जी, आपकी जो चुनाव है उसकी बहुत तारीफ करती हूँ, क्योंकि ये गीत सुनने का बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था, और जैसे ही मैंने देखा कि आपने इस गीत को चुना है तो मन्ना दा जैसे साक्षात मेरे सामने आ गए, और इतना मीठा गीत, और जो गीत के शब्द है मनीषा जी, जी, जी। कहाँ आ गए हम, कहाँ जा रहे थे, क्या बात है। ये एक सार्वकालिक गीत है आज की तारीख में तो हर कोई इसे गुनगुनाएगा कि सही बात है, कहाँ जाना था हमें और कहाँ आकर पहुँच गए हैं। तो इस मीठे गीत को सुनते हैं और उसके बाद क्या खजाना है हमारे पास उसके बारे में बात करेंगे। पहले महान गायक मन्ना डे के स्वर में आइए सुनते हैं इस सुमधुर गैर फिल्मी गीत को, और फिर आगे की बात करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। ये आवारा रातें, ये खोई सी बातें, ये उलझा सा मौसम, ये नजरों की खातें, कहाँ आ गए हम, कहाँ जा रहे थे, की आवाज में लगता है डूबे रहे। बिल्कुल। और वैसे ना मेरी एक इच्छा और थी जयंत जी, जब इस गीत को हम सुन रहे थे, आपने जो कहा ना ये उलझा सा मौसम, ये
नजरों की खातें, तो एक गीत उनका बहुत मशहूर हुआ था, कभी और सुनाएंगे श्रोताओं जरूर, जरूर। वो है मेरी भी एक मुमताज थी। वाह वाह। उसको अभी चूंकि हमारे कार्यक्रम का समय थोड़ा कम है तो हम उस गीत को बात के लिए रखते हैं। श्रोताओं को इस वक्त हम मन्ना डे साहब की आवाज सुनवा देते हैं। जी हाँ, एक भेंट वार्ता है। मधु शर्मा जी ने मन्ना डे से बात की है और ये एक नायाब इंटरव्यू अपने श्रोताओं के लिए हम लेकर आए हैं। मधुब शर्मा जी ने बहुत खास इंटरव्यूज विविध भारती के लिए एक जमाने में लिए थे, उन्हें महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग्स में से ये एक रिकॉर्डिंग हम आपके लिए खास तौर पर छांट के लाए हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं महान पार्श्व गायक मन्ना डे से मधुब शर्मा की बातचीत की ये विशेष रिकॉर्डिंग। मन्ना दा, आपने संगीत कब सीखना शुरू किया? जैसा कि आप जानते होंगे, मेरे चचा जी श्री केसी दे विख्यात गायक थे और उन्हीं के साथ रहने के कारण थोड़ा बहुत संगीत तो कानों में बस ही गया था, लेकिन जिसे सचमुच सीखना कहते हैं वो मैंने अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद शुरू किया। दरअसल बात ये थी कि मेरे पिताजी और मेरे चचा जी सभी के ये राय थी कि पहले शिक्षा और फिर संगीत। सही। अच्छा, तो पहले आपने शास्त्रीय संगीत सीखा या कि सुगम संगीत से ही गाना शुरू किया? मधुब साहब, मुझे भी शास्त्रीय संगीत का ही ज्यादा शौक था। अच्छा। और चाचा जी भी यही चाहते थे कि आदमी की बुनियाद पक्की होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी सीखे। जी हाँ, जी। और शास्त्रीय संगीत को संगीत की बुनियाद कहना कोई गैर वाजिब नहीं है। जी हाँ। तो इस विचार से मैंने पहले शास्त्रीय संगीत ही सीखा। अच्छा। तो दादा, शास्त्रीय संगीत पर आधारित जी फिल्मी गीत भी ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं ऐसा मैं समझता हूँ। जी हाँ, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, बात यह है कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत वास्तव में भारतीय है और हमारे हिंदुस्तानी भाई इन दोनों पर आधारित गीतों को स्वाभाविक रूप से ज्यादा पसंद करते हैं, मेरा ख्याल तो ये है। जी बिल्कुल सही। अच्छा दादा, क्या आप समझते हैं कि गीत को आकर्षक बनाने के लिए जी बहुत सारे साजों का होना जरूरी है? साज तो दरअसल गाने के मूड के हिसाब से चुने जाने चाहिए और सही साज हैं तो थोड़े से साज ही गाने को प्रभावशाली बना सकते हैं। जी। कभी कभी कोई खास इफेक्ट पैदा करने के लिए ज्यादा साज भी काम में लाए जा सकते हैं। अच्छा मन्ना दा, हिंदी और बंगला गानों के अलावा जी आपने और कौन कौन सी भाषाओं के गीत गाए हैं? जी, मैंने तमिल, तेलुगु और सिंधी जी ये तीन चार भाषाएं छोड़कर बाकी सभी भाषाओं के गीत गा चुका हूँ। अच्छा अच्छा। इसके अलावा मुझे तो इंग्लिश गाने का भी बहुत शौक है। अच्छा। और ऐसा दिन भी आ जाएगा जरूर जब मैं इंग्लिश गाने अच्छी तरह से गा सकूंगा। अच्छा जी। दादा, गायक के रूप में आपने ख्याति पाली है जी, क्या आपको संगीत निर्देशक बनने का भी शौक है? हाँ मधुब साहब, गायक के रूप में ठीक है, मैंने प्रसिद्धि पाली है, लेकिन संगीतकार बनने का भी मुझे बहुत शौक है जी, क्योंकि उस रूप में कुछ रचनात्मक काम करके जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सिर्फ गाकर नहीं मिल सकता है। अच्छा दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी। श्रोताओं, महान पार्श्व गायक मन्ना डे से मधुब शर्मा की बातचीत हमने आपको सुनवाई और मनीषा जी, अब किस गीत में उलझा रही हैं आप? मैं बिल्कुल उलझा नहीं रही, मैं ये सोच रही हूँ कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है और आखिर इस दर्द की दवा क्या है, क्या है? मिर्जा गालिब साहब का ये बहुत ही मकबूल शेर है। वैसे तो इस गजल को कई कलाकारों ने अपने अपने तरीके से गाया है और नवाजा है, लेकिन इस गजल को जब सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हम सुनते हैं तो एक अलग ही रंग इस गजल का हमारे सामने उभर कर आता है। तो मुझे लगता है कि हम सुमन कल्याणपुर जी के स्वर में इस गजल को सुनते हैं और उसके बाद कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुँचेंगे।
पुर जी के स्वर में मिर्जा गालिब का ये मशहूर कलाम आपने सुना। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। आप पूछिए मुझसे कि मुद्दा क्या है। तो बताइए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और एक महान गायिका का एक मशहूर गैर फिल्मी गीत मैं बिल्कुल कार्यक्रम में बजाना। उस जमाने की जब हम बात कर रहे थे रंग तरंग कार्यक्रम को याद करते हैं तो उसमें अक्सर जयदेव की रचनाएं बजा करती थी। हाँ, और बहुत मीठा लगता था, दोपहर का समय होता था। हाँ, वो है ना, कितना बजा होता था जयंत जी। मध्याह्न के समय कुछ 12:30 बजे प्रोग्राम हुआ करता था जी। हाँ, जहां तक मेरा अंदाजा है। हमारे श्रोता हमारे अंदाजे को ठीक कर देंगे जरूर पत्र लिख के, क्योंकि वो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को सुना करते थे और ये गाना तो उन्होंने जरूर सुना होगा। तो आइए श्रोताओं इस गीत को सुनते हैं और आपके साथ भी इस रंग में तरंगित हो जाते हैं। जी, संत मीराबाई की बहुत ही सुंदर रचना है, संगीतकार जयदेव और स्वर आशा भोसले का। फिल्मी रचनाओं पर आधारित ये जो कार्यक्रम हमने फिर एक बार अपने श्रोताओं की नजर किया, निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को बहुत मजा आया होगा। मनीषा जी, जी हाँ, अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत इस वादे के साथ कि इसके बाद के अंक में हम आपके लिए फिर कुछ खास लेकर उपस्थित होंगे। इस वक्त दीजिए अपने मित्र मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर को इजाजत। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।